तो क्या पवार साहब को ये सारी जानकारी थी कि आप लोग अलग अलग में पार्टी बना करके बीजेपी के साथ जा रहे हैं? नहीं, जानकारी वैसे कोई ये सरकार बन रही है ऐसा तो नहीं था, मगर उनको हमारी मनसा तो मालूम ही थी। और पार्टी के बहुत करके विधायकों की, जब एकनाथ शिंदे की सरकार बनने के पहले जब वो सूरत और गुवाहाटी गए और हमारी सरकार उस वक्त गिरने ही वाली थी, तब लोगों को विधायकों ने एक आपस में, सारे विधायकों ने, मतलब एक भी बाकी नहीं, सारे विधायकों ने फैसला किया था उस टाइम पे कि अगर हो सके तो हमने बीजेपी के साथ सरकार बनाने की कोशिश करना चाहिए। अब वो उस वक्त नहीं बनी क्योंकि एकनाथ जी की और बीजेपी की सरकार बन चुकी थी, उसी वक्त की बात कह रहा हूँ। और अभी पिछले कुछ महीनों से भी हमारे आपस में, मतलब हम लोग बात करते थे, मैं ये कि नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि पवार साहब का ही मतलब उसमें कोई रोल था, मगर हम बात कर रहे थे आपस में कि भाई ये होना चाहिए। पार्टी नेतृत्व को ऐसे भी तो थोड़ा बहुत तो अंदाज था ही कि भाई हमारे लोगों की मनसा क्या है, तो इसलिए ये फैसला फिर लिया गया। और मुझे लगता है कि पार्टी का ही फैसला है और सही फैसला है। ठीक है, चलिए मैं आपकी बात को मानता हूं कि आप बड़ी ईमानदारी से कह रहे हैं। तो क्या मैं ये मानूं कि शरद पवार साहब ने कहा कि आप लोग को जाना है तो जाइए, मैं नहीं जाऊंगा? अब ऐसा है कि हम तो चाहेंगे कि अभी 2 ही दिन हुए हैं, सभी लोगों ने एक फैसले के साथ रहना चाहिए। साहब को सभी मानते हैं और इसलिए सब मिलके अगर रहेंगे तो बहुत एक अच्छा, हमारा परिवार इसी तरह से चलता रहेगा तो सबके लिए खुशी की बात है और अच्छी बात होगी।